हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया भर में झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सोनिया और राहुल गांधी ने बनाया है, जिससे अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज होने वाला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिटीजनशिप को लेकर भी कांग्रेस का चेहरा पूरे देश में बेनकाब हुआ है। हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया भर में झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सोनिया और राहुल गांधी ने बनाया है, जिससे अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज होने वाला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिटीजनशिप को लेकर भी कांग्रेस का चेहरा पूरे देश में बेनकाब हुआ है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा भारत और पाक दोनों करेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी अपने ही पूर्वजों की बातों को झुंझलाया जा रहा है। मुझे लगता है दुनिया भर में अगर झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी ने कहा, आज की कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसको बिल्कुल नहीं मानते और इतना झूठ बोलते हैं कि सारी हदें पार कर गई, अब तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 1947 में रेजोल्यूशन में लिखा था कि पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत नागरिकता देगा जो हिंदू और सिख होंगे। सिटीजनशिप बिल पंडित नेहरू लाए, नेहरू लियाकत समझौता 1950 में पंडित नेहरू ने किया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा भारत भी करेगा और पाकिस्तान भी करेगा। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी लेकिन पाकिस्तान में हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इन सब की जनसंख्या 30% से कम होकर 3% रह गई। तो राहुल गांधी बताएं कि अगर इनके परदादा ने, परनाना ने, सब लोगों ने अगर ये कहा कि इनको खुले हाथों से, खुली बाहों से स्वागत करके नागरिकता देनी चाहिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि असम में 3 डिटेशन सेंटर बनाए गए हैं और राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया है क्योंकि सेंटर कांग्रेस की तरुण गोगाई की सरकार ने बनाए हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने एनआरसी पर बीजेपी ने कोई कानून नहीं लिखा है और एनआरसी लाना स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना रहा है, लेकिन आज सोनिया गांधी मुकर रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस पल पल झूठ बोलती है, इसलिए जनता इनका विश्वास ना करे। असम में 3 डिटेंशन सेंटर बने जो कांग्रेस की तरुण गोगोई की सरकार ने बनाए और राहुल गांधी का झूठ इसलिए पकड़ा गया कि आज तरुण गोगोई ने स्वयं माना है कि उन्होंने उन बनाए थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नहीं बनाया। दूसरी बात, एनआरसी भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द भी उस पर कोई कानून नहीं लिखा। ये राहुल गांधी के पिता, सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी का सपना था एनआरसी लाना, उनकी सोच थी जो आज शायद सोनिया गांधी उससे मुकर रही हैं। ये कांग्रेस है पल पल झूठ बोलती है और जो बोलती है उससे मुकर जाती है, इसलिए इन पर विश्वास ना करें। देश भर में दंगे भड़काने का काम राहुल गांधी, सोनिया गांधी कर रही हैं, नौजवानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास कर रहे हैं और दुर्भाग्य ये है कि कुछ युवा इनकी बातों में आए। मैं सबसे कहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह की तुलना सरदार पटेल से किए जाने पर कांग्रेस के बयानों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का रवैया सरदार पटेल के मामले में ठीक नहीं था क्योंकि सही मामले में सरदार पटेल पहले पीएम बनना चाहिए थे लेकिन नेहरू बन गए थे। उन्होंने कहा कि नेहरू के द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा 70 सालों तक भारत को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नेहरू के द्वारा बोए गए बीज के चलते जम्मू कश्मीर और भारत में खाई पड़ी थी, जिससे पहले छुटकारा पटेल जी ने दिलवाया था तो आज अमित शाह ने छुटकारा दिलाया है। कांग्रेस का रवैया
सरदार पटेल के प्रति भी वही था, क्योंकि सही मायने में देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल बनने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश नेहरू जी बन गए। अब बन तो गए, लेकिन जो गलतियां वो उस समय करके गए उसका खामियाजा देश को 70 साल भुगतना पड़ा। धारा 370-3500 ये उनकी नेहरू जी की देन है, लेकिन सरदार पटेल थे तो 562 से ज्यादा रियासतों को इकट्ठे करने का काम, भारत को मजबूत करने का काम सरदार पटेल ने किया था। नेहरू जी ने तो केवल ऐसा बीज बोया था जो जम्मू कश्मीर और बाकी भारत में खाई खोई बनाई थी। आज मैं कहना चाहता हूँ, इन सब से छुटकारा दिलाया तो पहले सरदार पटेल ने, फिर अमित शाह जी ने, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये कांग्रेस डर के मारे इस तरह का झूठ बोलकर देश भर को भ्रमित करने का काम कर रही है, इससे इनको बाज आना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार के 2 सालों के सफल कार्यकाल पर बधाई दी और आगामी 3 सालों के लिए शुभकामनाएं दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिशा की बैठक में भी अधिकारियों को आगामी दिनों में दिए गए टारगेट को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टोटल बेनिफिशियरी कार्ड 49